हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने ब्रेक पॉइंट्स के बारे में देखा। इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ग्रिड मतलब एक ऐसा फ्रेम, आउटर फ्रेम सारा, जिसको के अंदर सब कंटेंट मैनेज होता है। पर्टिकुलर जो जिसे मतलब मैं लेआउट कोई बना रहा हूँ ना, तो उसमें किसी भी टाइप का लेआउट का शेप हो सकता है ना। उसके अंदर कैसे कैसे कॉलम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, कैसा उसमें रो सिस्टम कैसा है, ये सारा मैं ग्रिड सिस्टम के थ्रू सेट करता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ग्रिड सिस्टम है ना, कंटेनर बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो कंटेनर रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा भी हुआ है, बूटस्ट्रैप इज अ ग्रिड सिस्टम यूजेस अ सीरीज ऑफ कंटेनर्स, रोज एंड कॉलम्स टू ले आउट एंड अलाइन कंटेंट। ओके, इट मीन्स कोई भी स्ट्रक्चर जो मैंने डिजाइन किया हुआ है उसको मुझे डेवलप करना है। फ्रंट एंड में उसे कैसे सेट करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंटेनर्स का यूज करूंगा, उसमें रोज लूंगा, उसमें कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा चीजों को, है ना, डिवाइड करके कितने कॉलम में कंटेंट चाहिए, और ये पूरा कंप्लीट ग्रिड सिस्टम बनेगा। बूटस्ट्रैप में 12 कॉलम का ग्रिड सिस्टम है। बूटस्ट्रैप ने 12 कॉलम का ग्रिड सिस्टम डिफाइन किया हुआ है। 12 कॉलम के अंडर में हम सारा उसको सेट करते हैं चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंटेनर के बारे में देखता हूँ कि कंटेनर क्या होते हैं। आपको बताते हैं कंटेनर के क्या होते हैं। कंटेनर आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बूटस्ट्रैप। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है मतलब ये किसी भी कंटेंट को रैप करने के लिए सबसे बेसिक चीज कंटेनर है। इसको सबसे पहले हमको डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैं एक ड्यू ले लेता हूँ, बूटस्ट्रैप मैंने इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे, एक ड्यू ले लेता हूँ, उसको मैं कंटेनर का क्लास दे देते हैं अपन। ठीक है, हेलो, मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो। ओके, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये कैसे रन करता है। तो देखिए, ये हेलो है, मैंने टेक्स्ट जो लिखा ये बूटस्ट्रैप के कंटेनर के अंदर है। से इंस्पेक्ट करते हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, तो उससे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा येलो। ओके, तो इस कलर के अंदर देखिए, ये कंटेनर का जो पार्ट है ये येलो पार्ट है, इसके अंदर कंटेंट है। तो जो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम होता है उसका बेसिक एलिमेंट है कंटेनर। इसके अंदर हम डिफरेंट रोज और कॉलम्स लेके कंटेंट को डिफाइन करते हैं, कोई भी लेआउट बनाते हैं। तो सिर्फ अगर मैं कंटेनर लेता हूँ तो देखिए कंटेंट कैसा ये वर्क करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, और मैं इसको इसके ब्रेक पॉइंट चेंज करता जाऊंगा, तो जो सिस्टम इसमें ब्रेक पॉइंट सिस्टम है जो मैंने पिछले वीडियो में डिफाइन किया था कि LG, SM, XXL, MD, इन ब्रेक पॉइंट्स पे, इट मीन्स जो मेन विड्थ है ना, जो डिफाइन हुई है उस पे ये इसका मैक्स विड्थ चेंज होता जाता है। ओके, तो जैसे मैं इसको रिस्पॉन्सिवली चेंज करता हूँ तो आप देखिए ये सारा होता है यहाँ पे 100% हो जाते हैं एक स्टेज के बाद, और उसके पहले ये सारा अलग अलग इसका मैक्स विड्थ चेंज हो रहा है। देखिए, है ना, इसको देखिए, इसको अभी इंस्पेक्ट करोगे आप तो अभी कितना है इसका, ये 960 दिखा रहा है क्योंकि ये मीन विड्थ 992 है। ओके, और मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ये देखिए जो एक्सेल और XXL का कंटेनर होता है वैसे सेम 1400 मीन विड्थ पे 1320 मैक्स विड्थ इसका कंटेनर का होता है। ओके, उसके बाद जब हम लैपटॉप व्यू में आते हैं थोड़ा सा, लैपटॉप भी उससे थोड़ा आगे आते हैं, तो यहाँ देखिए आप 1140 हो गया। तो ऐसे हर ब्रेक पॉइंट पे कंटेनर चेंज होता जाता है। ठीक है, तो अब इस पे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। कंटेनर आर मोस्ट मोस्ट बेसिक लेआउट एलिमेंट इन बूटस्ट्रैप एंड आर रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग आवर डिफॉल्ट ग्रिड सिस्टम। मीन्स जो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है मैंने आपको बताया कि उसको यूज करने के लिए कंटेनर चाहिए, है ना। तो कंटेनर के में अलग अलग कंटेनर के डिफरेंट कंटेनर्स हैं बूटस्ट्रैप में, जैसे कंटेनर जो मैंने अभी आपको दिखाया है ना, जो डिफरेंट ब्रेक पॉइंट पे मैक्स विड्थ उसकी चेंज होती जाती है, ये इज रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट पे। कंटेनर फ्लूड है, ये 100% विड्थ पे होता है।
इसमें ब्रेक पॉइंट्स नहीं काम करते, क्योंकि ये तब यूज होता है जब हमको कंटेनर को, जैसे इसमें 1320 का जो मैक्स विड्थ है इनिशियल स्टेज में, कंटेंट को सेट करने में काम आता है ना। लेकिन मुझे शुरू से ही अगर 100% विड्थ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं कंटेनर फ्लूड लूंगा, है कि नहीं। तो जैसे मैं कंटेनर फ्लूड लेता हूँ, ओके, जैसे मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूड ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कंटेनर फ्लूड फ्लूड ले लेता हूँ ये, और मैं इसको देखता हूँ क्या हो रहा है। ये आप देखिए, ये शुरू से 100% विड्थ में, ये देखिए शुरू से 100% विड्थ में, अगर ये आखिरी तक 100% विड्थ में ही रहेगा, ये देखिए। तो अगर मुझे ऐसा कंटेनर लेना है जिसमें मुझे विड्थ शुरू में डिफाइन नहीं करनी है, मीन मैक्स विड्थ 100% मुझे फैला देना है, तो मैं क्या करूंगा, कंटेनर फ्लूड लूंगा, ठीक है। और देखिए इधर, द टेबल बिलो इलुस्ट्रेट हाउ ईच कंटेनर्स मैक्स विड्थ कंपेयर टू ओरिजिनल कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूड अक्रॉस ईच ब्रेक पॉइंट। ये जो कंटेनर का अभी हमने देखा, एक काम करते हैं, ये देखते हैं ना, कंटेनर का हमने जो देखा ये कैसा काम करता है। सबसे पहले 1400 से के ऊपर 1320 पे ये सेट होगा मैक्स विड्थ, उसके बाद 1200 के ऊपर, 1400 के बीच में 1140, देन 960, देन 720, 540, देन स्मॉल डिवाइसेस जो हैं 576 के नीचे, उसमें 100% में ये भी वर्क करते, मतलब मोबाइल में 100% में हो जाएगा। सेम अगर मैं कंटेनर एसएम की क्लास लेता हूँ, है ना, कंटेनर एसएम, तो कंटेनर एसएम क्या करेगा, कंटेनर एसएम अगर मैं ले रहा हूँ तो सेम कंटेनर जैसे ही बिहेव करेगा वो, एसएम के नीचे 100% में हो जाएगा। बट अगर कंटेनर एमडी मैं लेता हूँ, ठीक है, क्लास, तो वो क्या करेगा, मीडियम तक वो मुझे कंटेनर का डिफॉल्ट बिहेवियर वो देगा 720 पिक्सल तक का, ये देखिए यहाँ तक देगा, लेकिन उसके बाद ना स्मॉल में वो 100% में फैल जाएगा। मीन्स अगर किसी डिजाइन में जैसे टैबलेट व्यू है, ठीक है, मुझे क्या करना है कि एमडी में, मीडियम डिवाइसेस में मुझे कंटेनर का विड्थ नहीं चाहिए, मैक्स विड्थ नहीं चाहिए, मुझे 100% में कंटेनर को फैला देना है कंटेंट को, तो मैं एमडी यूज करूंगा, ठीक है। और सेम फॉर एलजी, अगर मुझे एलजी के नीचे 100% फैलाना है तो मैं कंटेनर एलजी ले लूंगा। डिफरेंट यूज के अकॉर्डिंग ना मैं डिफरेंट कंटेनर ले सकता हूँ, जैसे डबल एक्सेल लिया हूँ तो सिर्फ वो डबल एक्सेल विड तक ही चलेगा, मतलब 1320 तक ही वो मैक्स विड देगा, उसके बाद वो कंटेनर फ्लूड जैसा बिहेव करेगा, 100% पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कंटेनर, ये बूटस्ट्रैप का बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सेम वो रिस्पॉन्सिव कंटेनर के बारे में बताया यहाँ पे आपको, और ये फ्लूड कंटेनर के बारे में, ठीक है। तो ग्रिड सिस्टम के बारे में हमने देखा, तो हमने सबसे पहले क्या सीखा ग्रिड सिस्टम के बारे में, कि इसका बेसिक पार्ट है कंटेनर, ठीक है। अब देखिए, कंटेनर के अंदर मुझे कंटेंट डालना है ना, तो कंटेनर के अंदर कंटेंट कैसे डालेंगे, रोस और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले ये मैंने कंटेनर बनाया था, इसको मैं नॉर्मल कंटेनर ले लेता हूँ, इसको बूटस्ट्रैप का एक क्लास दे देता हूँ बीजी वार्निंग करके। बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइन जो यूटिलिटी क्लास होते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए क्लास अभी के लिए ले लेता हूँ हाईलाइट करने के लिए। इसके अंदर मैं एक रो ले लेता हूँ, रो मीन्स ये रो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप कॉलम्स को कभी भी बिना रो के अंदर नहीं ले सकते, आपको कॉलम्स डिफाइन करने हैं तो रो पेरेंट में लेना ही होगा, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ पे कॉलम क्लासेस लेता हूँ, कॉलम, ठीक है, ये तीन मैंने बना लिया, ओके, इनको मैंने दे देता हूँ बीजी, बीजी प्राइमरी, ओके। ये देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो समझ नहीं आएगा क्योंकि बैकग्राउंड में देखिए, ये मैंने कैसा किया है, ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर के अंदर हो गया रो, रो के अंदर हो गए कॉलम्स,
ये जितने भी कॉलम्स हैं ये इक्वल विड्थ में डिवाइड होते जाते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है वो फ्लेक्स बॉक्स यूज किया गया है। बूटस्ट्रैप ग्रिड का जो बेसिक सीएसएस का स्टाइल है वो फ्लेक्स बॉक्स में है। सो जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इट बिल्ड विथ फ्लेक्स बॉक्स, है ना। तो जो कॉलम्स हैं वो इक्वल विड्थ में डिवाइड होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रो है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है, ये देखिए, और कॉलम्स इक्वली डिवाइड हो सकते हैं। एक ही वहाँ पे कॉलम्स का सीएसएस है फ्लेक्स 110% दिया, तो कॉलम्स में हम कंटेंट को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर अगर मैं काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कॉलम बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अभी ये मैंने दो कॉलम और बढ़ा दिए, सॉरी, दो कॉलम और बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए ना एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, इसको वॉली कर देते हैं, और मैं इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ। ये देखिए इसका कलर लिया नहीं, आई थिंक मैंने वॉली की स्पेलिंग गलत लिखी है। ओके, 1 मिनट, ये आप इससे कंफ्यूज मत होइए, जो बीजी प्राइमरी बीजी वार्निंग है ना, ये यूटिलिटी क्लासेस है जो बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम यूज कर रहे हैं। आगे मैं यूटिलिटी क्लासेस के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, तो ये देखिए, यहाँ पे मैं अगर 5 कॉलम भी लेता हूँ ना, तो इक्वल विड्थ में वो डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स का यूज हुआ है। यहाँ पे ये है कंटेनर, पेरेंट में कंटेनर, देन है रो, देन है कॉलम्स। अब किसी भी कंटेंट को हमें अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट रोज यूज करेंगे, कॉलम यूज करेंगे, कंटेंट डालेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं एक कॉलम भी हटा भी देता हूँ ना, तो बचे हुए कॉलम इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो ये बेस्ट पार्ट होता है बूटस्ट्रैप के कंटेनर का। अगर मैं यहाँ कंटेनर को, यहाँ आप देखिए, ये आप देख रहे होंगे कंटेनर ये लिखा हुआ है, इसको मैं फ्लूड ले लेता हूँ, है ना, तो ये 100% फैल जाएगा, उसके अंदर कॉलम डिवाइड हो गए 100%। ओके, सो ये इजी है ना, आपको समझ में आ गया होगा कॉलम्स का यूज कैसे हो रहा है। कॉलम्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कॉलम्स में डिफरेंट अलाइनमेंट क्लासेस हैं, जैसे हमने ये 3 कॉलम बनाए, ठीक है, तो इसमें क्लासेस कैसी है, जैसे मुझे किसी कॉलम को सेंटर में सेट करना है ना, एंड में सेट करना है, तो उसके लिए क्लासेस हैं, जैसे अलाइन आइटम सेंटर, ये क्लास में लगा दूंगा तो सारे कॉलम रो के सेंटर में सेट हो जाएंगे, एंड किया तो एंड में सेट हो जाएंगे। ये देखिए, उसको समझने के लिए कैसे करते हैं, अपन एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको कंटेनर को एक हाइट दे देते हैं। ओके, 500 पिक्सल का, ठीक है, इसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं, ये लो। ओके, अब देखिए, रो की जो अपने पास क्लास है, ठीक है, अलाइन, ये कौन सी क्लास है हमारे पास, अलाइन आइटम सेंटर। तो मैं अगर यहाँ पे ये मैं क्लास लगा देता हूँ, देन वी चेक यहाँ पे क्या हो गया इसको, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए, है ना। यहाँ पे जो है कॉलम्स के क्लासेस हैं, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने क्या किया है, हो जाता है कोडिंग में, कुछ ना कुछ कोड ऊपर नीचे हो जाता है, उसका कोई बात नहीं है। यहाँ से आप देख लो, रो को अलाइन आइटम सेंटर दिया, कॉलम्स को करने ये दिया, रो को मीन हेड दे दी है के लिए। ओके,
यहाँ पे मैंने रोको क्या दिया हुआ है, आइटम सेंटर ये तो दिया है, ठीक है। और रो को मीन हाइट दे देना था मुझे एक्चुअली में, मीन हाइट इसको मैंने हाइट नहीं दी हुई थी, सॉरी मैं 5 मेगापिक्सल का हाइट देता। ओके देखिए, ये मैंने रो को एक हाइट दिया, उसमें सेंटर में सारे कॉलम्स आ गए। अगर रो को मैं कुछ मतलब, और इसमें अलाइन आइटम सेंटर का मैंने क्लास दिया हुआ है, उसी को अगर मैं अलाइन आइटम्स एंड कर देता हूँ तो देखिए कॉलम्स एंड में आ गए। तो ये यूटिलिटी क्लासेस है कॉलम्स को सेट करने के लिए, अलाइन करने के लिए, वही बताया गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, मतलब बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है आपको। सेम अगर इंडिविजुअल कॉलम्स पे वो क्लासेस यूज करनी है तो यहाँ इंडिविजुअल कॉलम के लिए क्लासेस है, मीन्स मुझे पूरे पेरेंट रो को नहीं देना है तो सिंगल कॉलम को देना है, तो अलाइन सेल्फ सेल्फ क्लासेस है। अलाइन सेल्फ स्टार्ट किया मैंने तो यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा, सेल्फ सेंटर किया तो ये सेंटर में आ जाएगा, एंड किया तो एंड में आ जाएगा। तो ऐसा है, ठीक है। तो आप इसे डिफरेंट तरीके से अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कॉलम्स 12 ग्रिड में डिवाइडेड है, ठीक है। तो वो कॉलम 1 टू कॉलम 12 का अपने पास ऑप्शन है। तो टोटल ग्रिड है जो 12 ग्रिड सिस्टम में डिफाइन है ना। तो अगर मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। अब रो है, अब 12 ग्रिड का सिस्टम है, तो मुझे तीन डिवाइड करना है, तीन पार्ट में इक्वल डिवाइड करना है, मतलब नेक्स्ट कॉलम के लिए हम जगह नहीं छोड़ रहे। तो मैं क्या करूंगा, कॉलम 4 4 4 में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 12 है, 12 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आता है, 4 आता है, तो 4 4 4 में डिवाइड हो जाएगा अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो। ये अपन देखते हैं, ये देखिए। सेम अगर मुझे इसको दो ही कॉलम रखने हैं, ठीक है, और मुझे इसको 50 50 में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 6 6 कर दूंगा, 12 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 6। ये होता है ग्रिड सिस्टम। सेम इसके भी ब्रेक पॉइंट्स हैं, जो हमारा डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट है ना, कॉल एम डी एस एम एल जी डबल एक्स एल है ना, यहाँ पे आगे लास्ट में उसके बारे में हम देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सारा दिया हुआ है, ये कॉल एस एम है। इसका वर्क कहाँ तक होगा आपको समझ में तो आ गया है, जो एस एम डिवाइसेस है तो वहां तक ये वर्क करेगा, उसके बाद ये 100% में फैल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कॉलम सिस्टम। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सारा मैथ्स है। 12 कॉलम सिस्टम का ग्रिड है और इक्वल ग्रिड में डिवाइड करना है, तो हमको 12 से डिवाइड कर देंगे कितना चाहिए हमें, ठीक है। तो 3 चाहिए तो 3 पार्ट में कर दिया है, 3 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया, तो कॉल 4 4 4, ठीक है, ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं रीऑर्डरिंग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कॉलम्स हैं, इनके लिए हमारे पास इनका ऑर्डर चेंज करना है, तो इसमें ऑर्डर क्लासेस है हमारे पास। कैसे, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करना है, मुझे ये ब्लू वाला कॉलम पहले आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑर्डर 2 का क्लास लगा दूंगा। तो ये देखिए, इसका ऑर्डर चेंज हो गया, सेकंड ऑर्डर में आ गया। तो इजिली मुझे, पहले क्या होता था कि जब फ्लोट होता था ना, तो ऑर्डर चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, जब फ्लोट सिस्टम जब बूटस्ट्रैप 3 तक चलता था ना, फ्लोट का यूज करते थे उस समय हम लोग, तब बहुत प्रॉब्लम होता था। बट अब ये जो फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर सिस्टम आया हुआ है, तो ऑर्डर मतलब ऑर्डर का सीएसएस होता है ये फ्लेक्स के अंदर, जिसमें आप ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर बॉक्स की, तो आप रीअरेंजमेंट इजिली कर सकते हैं। तो उसके लिए क्लासेस बूटस्ट्रैप में दिए हुए हैं ऑर्डर के, ये देखिए। ऑफसेटिंग, ओके, ऑफसेटिंग क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर ऑफसेट दो कॉलम के बीच एक ऑफसेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर
मैं तीन कॉलम डिवाइड कर रहा हूँ, बट मुझे दो ही कॉलम रखना है और तीन कॉलम में मैं पूरा ग्रिड सिस्टम को डिवाइड करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कॉल 4 4 4 लूंगा मान लो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे दो कॉलम से यूज है तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने यहाँ पे ले लिया 4 और मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, है ना। मान लो मैं LG 4 ले लेता हूँ। चलो आप तो नया इस क्लास को देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे तीन ही कॉलम चाहिए लेकिन एक कॉलम में मुझे कंटेंट नहीं रखना है, उतना स्पेस छोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, ये क्लास यूज करूँगा ऑफसेट। LG 4 तो ये क्या करेगा, उतना स्पेस ऑफसेट में छोड़ देगा। ये देखिए, ये कॉल, ये बीच में ऑफसेट छूट गया, ये कॉल, इन दो तीन कॉलम के लायक स्पेस है ये, लेकिन तीसरा जो बीच का स्पेस है वो ऑफसेट में छोड़ा है। तो मुझे कुछ ऐसा डिजाइन लेआउट बनाना है ना जिसमें मुझे ऑफसेट चाहिए, तो ये पैटर्न यूज कर सकते हैं हम, ये क्लासेस यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है ऑफसेटिंग कॉल। ओके, स्टैंड अलोन कॉलम क्लासेस क्या होती है, तो कॉल क्लासेस आल्सो यूज आउटसाइड अ रो टू गिव एन एलिमेंट ए स्पेसिफिक विड्थ। ओके, हाँ, तो जो कॉलम क्लासेस इन्होंने दी है ना, उसको मैं रो के बाहर भी यूज कर सकता हूँ, उसके लिए रो की जरूरत नहीं है, इसको स्टैंड अलोन कॉलम क्लासेस बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे सीधा मैंने ये जो कॉल क्लासेस मैंने यूज किया, उसको मैं रो में भी डायरेक्टली, रो के आउटर साइड में भी यूज कर सकता हूँ, मुझे रो से रैप करने की जरूरत नहीं है, है ना। पहले वो क्या होता था, क्योंकि वो मार्जिन एक रहता था सेट, इसलिए उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि वो रो के अंदर ही लेते थे। तो क्या है कि जैसे अगर मैं रो के बाहर लूंगा ना, तो जो पैडिंग होती है वो ऑमिट हो जाएगी, तो स्टैंड अलोन कॉलम क्लासेस होता है, ठीक है। हमने कॉलम का देख लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम गटर्स के बारे में देखेंगे। ये एक आपको बेसिक आइडिया अब आ गया होगा कि ग्रिड सिस्टम कैसा होता है ना, ग्रिड्स में कैसे कॉलम और रो और कंटेनर का कॉम्बिनेशन होता है, बेसिक कैसा स्ट्रक्चर होता है आपने देख लिया कि एक कंटेनर होता है, कंटेनर में रो होते हैं, रो के अंदर कॉलम्स होते हैं। बेसिकली रो यूज किया है मतलब उसके अंदर कॉलम यूज करेंगे ही, बट आप कॉलम्स को स्टैंड अलोन भी यूज कर सकते हैं, उस केस में पैडिंग ऑमिट हो जाएगी। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।